अबे ओ, तुम सब अपने आप को ज्यादा तोप समझते हो क्या? कल स्कूल में पतंगबाजी का कंपटीशन है, तुम सबका मोरना बनाया ना, फिर बताना। हाँ हाँ बेटा, उड़ लो, जितना हवा में उड़ना है उड़ लो, लेकिन याद रखना कल हमने भी तुम्हारी पतंग काट काट के तुम्हारी पैंट ढीली ना कर दी ना, तो हम भी हम नहीं। अबे ओ, वो तो कल देखेंगे कि किसकी पैंट ढीली होती है और किसकी पैंट टाइट होती है। तुम ना अपनी कमर कस के रखना। हाँ हाँ देख लेंगे, तुम क्या हमें हल्के में ले रहे हो? अबे ओ, चूर में हल्के में, साले तेरे को तो हम हवा में भी ना ले। जाओ जाओ निकले यहाँ से, ठसा गाओ चलो। अरे चल गाइस, इनको तो हम कल देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेंगे कल, चलो निकलो यहाँ से। चलो भाई लोग ध्यान से सुनो, ऐसा मांझा लेना है, ऐसा मांझा लेना है कि उनकी पतंग की ऐसी की तैसी हो जाए। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अरे भाई मांझा तो लेना ही लेना है, लेकिन पतंग भी ऐसी कैड़ी लेनी है ना कि हमारी पतंग देख के उनकी पैंट गीली हो जाए। हाँ चलो फिर मार्केट, और बढ़िया पतंग और मांझा लेके आएंगे, कॉम्पिटिशन जीतना हमें। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देख उड़ी उड़ी जाए। भैया पतंग बेच रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये दूध की थैलियाँ रखी हैं, दूध बेच रहा हूँ मैं। अरे भैया क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? अब एक काम करो, बढ़िया कैडी कैडी पतंग दिखाओ जो बिल्कुल आसमान में जाके उड़े, बादलों के ऊपर टॉप पे। अरे भैया मुझे भी पतंग दिखाओ। अब तू यहाँ भी आ गया अपनी गंदी शक्ल लेके? तुम्हारा खुद का दिमाग काम नहीं करता क्या जो तुम हमें फॉलो कर रहे हो चीटर कहीं के? अरे ओ तुमसे पहले ना हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ज्यादा बकवास मत करो, और वैसे भी कल तो तुम लोग हारने वाले हो। ये हमसे पहले आए हैं। ये देखो भाई, एक नंबर हल्की पन्नी वाली पतंग। अरे भैया ये पन्नी वाली पतंग मत दिखाओ हमें, ये इनको दिखाओ, ये बच्चे उड़ाते हैं पन्नी वाली, हमें आप वो दिखाओ जो लेजेंड उड़ाते हैं कागज वाली। अरे भैया हमें भी पन्नी वाली पतंग ही देखनी है, ठीक है हमें आप रियल पतंग दिखाओ, तभी तो पता चलेगा यहाँ बच्चा कौन है। ये देखो तो फिर गुड्डा पतंग, इसके मेरे पास सारे कलर मिल जाएंगे, लाल हरा पीला सतरंगी पतरंगी सब मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ ये बढ़िया लग रहा है, इसमें है कुछ दम। भैया एक काम करो, आप ना सारे गुड्डे पतंग हमको दे दो और इनको गुड़िया पतंग दे देना। भैया आप एक काम करो, आप इससे भी बढ़िया दिखाओ, गुड्डे से भी बढ़िया पतंग दिखाओ। ये लो तो भैया, ये गुड्डे से भी बढ़िया पान का पत्ता पतंग, आसमान में जाने के बाद आपके इशारों पे नाचेगी। हाँ भैया ये बढ़िया लग रही है, ये कर दो हमारे लिए, और बढ़िया बढ़िया दिखाओ हमें। ये लो तो भैया, ये पतंगों की आन बान और शान, तिरंगा पतंग। अरे भैया सारे पतंग आप इनको ही दिखाओगे, हमें भी कुछ दिखाओगे? ये देखो तो भैया, ये है लंबू पतंग, एक नंबर की पतंग है। ये बढ़िया है, ये आप हमको दे दो। चलो भैया पतंगे हमारी पैक कर दो आप, और उसके अलावा ना हमें बढ़िया सा मांझा दिखाओ, ऐसा मांझा दिखाओ कि इनकी एक भी पतंग हमारे सामने टिक ना पाए। ये देखो तो भैया, ये है ऑल आउट मांझा, इसके आगे सारी पतंगे ऑल आउट हो जाएंगी। अरे भैया हमको ना इससे भी तगड़ा वाला मांझा दिखाओ आप। अरे भाई कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रहे, जो हम बोल रहे हैं वही बोले जा रहे हैं। कोई बात ना, बोल लेने दे इसको, जितनी तेजी इसकी जुबान चल रही है ना अभी, कल उतनी तेजी से पतंग भी तो कटेंगी इसकी। इससे भी तगड़ा मांझा दिखाऊं? ये देखो तो फिर भैया, ये है टेरिस चैंपियन, ये है सब मांझों का चैंपियन। हाँ ये अच्छा है, ये आप हमको दे दो। अरे भैया ये घटिया मांझा ना इनको दो, हमें आप सबसे बेस्ट मांझा दिखाओ, ये ऑल आउट वगैरह टेरिस चैंपियन वगैरह इनसे भी बढ़िया मांझा दिखाओ हमें। इससे भी तगड़ा दिखाऊं? तो ये है भाई मोनोकाइट मांझा, इसके आगे तो सारे मांझे फेल हैं। ठीक है भैया एक काम करो, हमारी पतंगे और ये मांझा पैक कर दो। चीनू ये पतंग और मांझा पैक करा के ना फिर चलेंगे डीजे की दुकान पे, बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम खरीदेंगे वहां से। ठीक है भाई। अरे उसके लिए कहीं और जाने की क्या जरूरत है, अपने पास सब मिलता है। आपके पास कैसे मिलेगा, आप तो सिर्फ पतंग और मांझे बेच रहे हो। अरे इतनी बड़ी दुकान है, अंदर सब मिलेगा। अच्छा चलो फिर पतंग और मांझा पैक करो। ओए हम भी यहाँ से साउंड सिस्टम ले लेते हैं, क्या बोलता है? अबे सही कह रहा है, ले लेते हैं। चल 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 चल। वैरायटी तो काफी अच्छी है भैया आपके पास। बहुत सारी वैरायटी हैं। ये देखो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये थोड़े एवरेज से हैं, और ये फर्स्ट क्लास। अच्छा। इससे तो सिस्टम मिल जाएगा सारा। तो भैया एक काम करो, हमें ऐसा म्यूजिक सिस्टम दिखाओ कि छत पे सिर्फ हमारे गानों की आवाज सुनाई दे।
तो आप एक काम करो, ये वाला सिंगल पीस ले जाओ, पूरी छत हिल जाएगी। ठीक है भैया, दे दो, पैक कर दो। भैया आप ना मुझे ऐसा स्टिकर दिखाओ, ऐसा स्टिकर दिखाओ कि सारा मोहल्ला हिल जाए। अबे ओ, तू यहाँ भी आ गया? बताओ। चल चल, तेरे से बातें नहीं करनी, बताओ। तो भैया आप एक काम करो, आप ये वाला सिंगल पीस ले जाओ, पूरे मोहल्ले में सिर्फ आपके डीजे की आवाज आएगी। अरे लेकिन ये दोनों तो सेम है। अरे फर्क है भैया, फर्क है। तो ठीक है, आप इसको पैक कर दो। कोई नहीं कोई नहीं, तुम्हें तेज आवाज वाले डीजे की जरूरत भी तो है, क्योंकि हारने के बाद जब तुम रोओगे तो तुम्हारी रोने के बाद किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए ना। तुम्हें तो कल बताता हूँ मैं, फाड़ लो जितने दांत फाड़ने हैं। अरे भैया आप जल्दी से हमारा सारा सामान पैक करो। यार पतंग तो हम बढ़िया बढ़िया ले आए, एक काम करते हैं, हम सब मिलके सारे पतंगों के अभी कर निभा लेते हैं, क्योंकि कल पतंग काटने में इतने बिजी हो जाएंगे, टाइम तो मिलेगा नहीं हमें। हाँ भाई, हाँ भाई सही कह रहा है। चलो फिर लग जाओ काम पे। लो तुमको ये लग रहा होगा कि कॉम्पिटिशन वो लोग जीतेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जीतेंगे तो हम। वो कैसे यार? अरे यार हम मांझे को डबल करके उड़ाएंगे और इस तरह किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और कंपटीशन हम लोग जीत जाएंगे। अरे सही में कितना सही आइडिया है ना। चल अपना मांझा अभी डबल कर लेते हैं। चलो चलो चलो, चलो, चलो। हेलो 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 हेलो। अरे मैडम जय हो आपकी। मतलब क्यों सर? अरे मैडम तिरंगा साड़ी में बिल्कुल भारत माता लग रहे हो, इसलिए भारत माता की जय। अरे सर आप छोड़िए ना, आप स्टार्ट कीजिए। ओके मैडम ओके। तो जय हिंद बच्चों। जय हिंद। तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपके स्कूल में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है, तो इस मौके पर स्कूल में काइट कंपटीशन रखा गया है, तो तालियां। जहाँ एक तरफ है रचित और उसकी गैंग और दूसरी तरफ है ईशान और उसकी गैंग, तो आज का मुकाबला बड़ा ही कड़क होने वाला है। देखते हैं इस काइट कंपटीशन को, रचित की गैंग जीतेगी या ईशान की गैंग जीतेगी। ये क्या, अरे रचित की पतंग तो हवा से बातें कर रही है और ईशान की पतंग के तो कन्ने में नहीं बने हैं। अबे बांध जल्दी, जल्दी बांधो जल्दी। तो मैडम देखो ना, तू जल्दी बांधना कन्नी, जल्दी कर। आखिरकार इतना पसीना बहाने के बाद ईशान की पतंग धीरे धीरे उड़ रही है हवा में। ये देखिए मैडम, आपको क्या लगता है ईशान जीतेगा या रचित? अब देखते हैं सर कौन जीतेगा। रचित की गैंग जीतेगी। तो दोस्तों ये मुकाबला धीरे धीरे काफी रोमांचक होता जा रहा है और दोनों टीमों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है दोस्तों। अरे मैडम देखो ना, अब दोनों पतंगे पेचे लड़ाने के लिए तैयार हैं। ए ए ए और ये क्या, ईशान गैंग ने रचित गैंग की पतंग काट दी। काई पोछे मैम। यार गाइस ऐसे तो हम कंपटीशन हार जाएंगे, इनको स्वाद चखाना पड़ेगा, दूसरी पतंग लेकर आओ। ले भाई अब की बार ये वाली उड़ा। हाँ ये पकड़ तू। ओम भूर भट स्वाहा। अब इस पतंग को कोई नहीं काट सकता। ये क्या, एक पतंग कटवाने के बाद रचित गैंग कंपटीशन में दोबारा वापसी करते हुए। साइड से लेके काट दियो। बोलो साइड साइड। अबे जीतना तो मुझे ही है। ये क्या, दोनों की पतंगे फिर पेचे लड़ाने के लिए तैयार मैडम। देखा बेटा, बोला था ना पैंट ढीली हो जाएगी, कर दी ना। ये क्या, रचित की पतंग तो फिर से कट गई मैडम। काई पोछे। अरे यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और बार हमारी पतंग क्यों कट रही है भाई? तो ये वाली पतंग ट्राई कर।
ये वाली नहीं कटेगी? अरे नहीं कटेगी भाई। चलो ये वाली उड़ाते हैं फिर। और ये क्या, रजत गैंग की पतंग फिर से आसमान में उड़ चुकी है और पेचे लड़ाने के लिए तैयार। अब इस साइड से काटो, इस साइड इससे बोला ढील दूं, मैं ढील दूं, ढील दो जल्दी भाई, चल 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 आगे आगे, ढील दे चीनू, ढील दे, लपेट लपेट लपेट, अब की बार नहीं हारने चाहिए हम, इज्जत का सवाल है यार। हमारे सामने पंगा लेंगे हमसे ये क्या, रचित की पतंग तो फिर से कट गई, लगता है मैडम रचित ने कसम खा ली है कि ये कंपटीशन घर हार के ही जाएगा और ईशान यहाँ से विजेता बन के ही घर जाएगा। काई पोचे मैडम। अबे आए थे हमें हरा रहे, अपना एक पतंग नहीं बचा पा रहे। अरे भाई इन उल्लू के पट्टों को तो पता ही नहीं, हमने अपना मांझा डबल कर रखा है। यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मुझे लगता है हमारा मांझा ही फुसी है। हेलो ईशान, ये क्या बेशरम, तुम स्कूल में फोन लेके आते हो? अरे सर आज तो फंक्शन है स्कूल में और मैं तो टीम का कैप्टन भी हूँ ना, तो इतनी छूट तो आप दे ही सकते हो। जेब में रख ले इसको, नौकरी छुड़वाएगा मेरी। हेलो हेलो ईशान, तुमको पता है मेरा पोता रचित कहाँ है? कब से उसको फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा, सोसाइटी में पेचे भी लड़ाने हैं, कुछ पता है क्या उसके बारे में? अरे उसके पेचे तो हमने यहाँ डीले कर रखे हैं। इतनी झंड तो बेचारे की आज तक नहीं हुई होगी। क्या कहा, तुम मेरे पोते की पतंगे काट रहे हो, वो भी मेरे होते हुए? ओए चलो चलो, तुम लोग पतंग पे ध्यान दो। निकर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लोन लगा के फोन बता दे, तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है, तेरे पुर्जे पिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी। ये क्या गेम में एक नया ट्विस्ट, एक बुढ़िया सी जवान आंटी चार बॉडीगार्ड के साथ आ चुकी हैं। दादी दादी यहाँ पे? अबे ओ बंद करो ये अपने फटे स्पीकर, गाना बजेगा तो मेरी पसंद का बजेगा, नहीं तो यहाँ जूत बजेगा। अबे कौन हो तुम लोग, अबे बुढ़िया डोन आंटी निकलो यहाँ से, ये बच्चों का कंपटीशन है, चलो यहाँ से। ओए चुपचाप अपनी कमेंट्री कर तू। सॉरी मैडम बंदूक दिखा रहे हैं। और कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने मेरी पतंग काटी तो आज के दिन अगले साल उसकी बरसी मनेगी। ये भगवान क्या जुलूम है। हाँ भाई बाउंसरो सुन रहे हो ना अच्छे से, अगर किसी ने मेरी पतंग काटी तो तुम लोग उसका नाम दुनिया से काट देना। चीनू क्या हुआ, अगर हम ऐसे नहीं जीते तो दादी तो अपनी टीम में है ना। हाँ भाई अब तो हम ही जीतेंगे। क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है दादी ने। अरे भैया मेरी खोपड़ी खाली करके क्या करोगे, वैसी खाली है, मैडम की खोपड़ी भरी हुई है इसे खाली कर दो। अरे आ ना ले, उड़ा 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 इसको खाली कर दे। वाह दादी वाह, क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी आपने। अभी तो पोते एंट्री मारी है, अभी तू देख इनकी पतंगों की कैसी ऐसी कैसी मारती हूँ, पतंग दो पतंग उड़ाएंगे। पाप, पाप, पाप। चलो 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 दादी चलो। अरे यार अगर दादी की पतंग काट दी तो मेरी जिंदगी की डोर कट जाएगी, इससे बढ़िया तो अपनी ही पतंग कटवा लेता हूँ। काई पहुंचे। अरे वाह दादी, लगता है आप तो एक एक करके हमारा सारा बदला ले लोगे। अभी पोते तू देखता जा आगे आगे क्या होता है। ईशान जीत के जितना ही करीब था, अब जीत से उतना ही दूर जा चुका है, लेकिन बुढ़िया दादी के आते स्वीट दादी के आते ही गेम का रुख पलट गया पलट गया। यार ऐसे तो एक एक करके हमारी सारी पतंग कट जाएगी। भाई पहले हमने चीटिंग करी थी, अब हमारे साथ चीटिंग हो रही है। भाई
कुछ तो करना पड़ेगा वरना दादी हमारी बैंड बजा। सही कह रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। आइडिया, मैं ना प्रिंसिपल को बुला के लाता हूँ। सुन सुन ना मटा जिंदगी को, ठीक है? देखो सर, स्कूल में ऐसे काम कर रहे सर, छोड़ना मत बस। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? ये स्कूल का कंपटीशन है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ये कोई तुम्हारे मोहल्ले का काइट कंपटीशन नहीं है जो अपनी मन मर्जी चलाकर लड़ने में लगे हो। और ये क्या बाउंसर और ये गन लेकर आ रखे हो, अभी पुलिस को कॉल करूं? और तू अगर इसी तरह अच्छे से 20,000 रुपए महीना कमाना चाहता है ना, तो माइक पकड़ के अच्छे से कमेंट्री कर। जी डॉन साहब। ओके ओके। हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो। अरे बोलो मैडम, आप इतनी गोली खाओगे? गाइस, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो रचित अपनी दादी के साथ मिलकर गन पॉइंट के दम पे सारा कंपटीशन जीत जाएगा। अरे भाई, एक आखिरी उम्मीद प्रिंसिपल सर से थी और उसको भी दादी और उसके गुंडों ने क्लासरूम में बंद कर दिया। अब हम कर ही क्या सकते हैं? मुझे मालूम है तुम लोग क्या कर सकते हो, लेकिन एक ही शर्त पे बताऊंगा, अगर तुम भी मुझे अपने साथ पतंग उड़ाने दोगे। वहाँ दादी अकेले अकेले पतंग उड़ाए जा रही है, मुझे उड़ाने ही नहीं दे रही। अरे हाँ हाँ यार, तू प्लान तो बता, उसके बाद तेरा जितना मन करे तू पतंग उड़ा लियो। अगर दादी को लाइन पे लाना है ना, तो रचित की मम्मी को बुलाओ, वही दादी को लाइन पे ला सकती हैं। ये बात अब है ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इस दादी का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, तुम पतंग के बहाने ना इस दादी को उलझा के रखो, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है भाई, मैं भी अपनी 2-3 पतंग कटवा के इनको यहाँ पे उलझाए रखता हूँ। भाई लोग, मैं भी वॉशरूम से आता हूँ। भैया मैं भी सुसु। अरे सर सर, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। सर, हमें पता लग गया है कि दादी को लाइन पर कैसे लाना है, उनको यहाँ से कैसे हटाना है, और सर ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। हाँ बेटा, मुझे पता है, पुलिस वाले। अरे नहीं सर, रचित की मम्मी। हाँ सर, सिर्फ आंटी ही है जिससे रचित की दादी बहुत डरती है, आप उनको बुला लो जल्दी से। रुको बेटा, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। हेलो, रचित की मम्मी बात कर रहे हो? मैं रचित का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, आप ना जल्दी से स्कूल में आ जाओ, हमको ना आपकी बहुत जरूरत है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, यहाँ दादी ने बंदूक की नोक पर पूरा स्कूल सर पे उठा रखा है। हाँ हाँ ठीक है मैडम, आ जाओ आप जल्दी आ जाओ। चलो सर। दादी, ये प्रिंसिपल को किसने आजाद किया? मैंने। मम्मी, मैडम, मेरे को तो ये रचित की मम्मी लग रही है। हाँ सर, लग तो मुझे भी रही है। ओए, हटाओ इसे, नीचे करो, तुम भी नीचे करो। ये तुम सबने क्या मचा रखा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मी जी, आपने ये क्या मचा रखा है स्कूल में? और रचित, तू ये सब करता है स्कूल में आके? अरे नहीं मम्मी, वो दादी ने इतनी बदमाशी दिखाई ना, वो मैं बैग गया था, सॉरी मम्मी। और चीनू, तू भी ये सब करने लगी? मम्मी मैं इनके साथ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ झूठी। और मम्मी जी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? कुछ तो शर्म कर लो, क्या मचा रखा है आपने ये स्कूल में आके? बुढ़ापे में आके ये सब कर रहे हो, बच्चों को यही सिखाओगे? तो बहुत गलती हो गई, वो मैं थोड़ा सा ना हवा में आ गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी।
सॉरी मेरे को नहीं, टीचर्स को बोलो और प्रिंसिपल को बोलो। सॉरी प्रिंसिपल सर। सॉरी सर। ओके ओके। सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ सॉरी सर। देखो मैडम बुढ़िया इस उम्र में बह गई है, यहाँ पर कनपटी में बंदूक रख दी थी, जान जाते जाते बच गई। सॉरी सर। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। हाँ अब जान जाते जाते बच गई मेरी। सॉरी का बच्चा। मैडम वो तो आप थे ना, तो इसके नाक में दे देता मैं। और यहाँ पतंगबाजी का कंपटीशन चल रहा है ना, पतंग उड़ा के मैं दिखाती हूँ, मैं अपने टाइम में चैंपियन थी। ठीक है मम्मी आ जाओ। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगे भारत देश की अनेकता में एकता का प्रतीक है मैडम। एक के बाद एक पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। ये और ये क्या, आंटी ने धोबी पछाड़ देते हुए पतंग फिर से काट दी है। तो बच्चों अब समय हो गया है फ्लैग होस्टिंग का। चलो अरे मैडम झंडा मैं फिरा दूं क्या? चलो चलो चलो। अपने दिलों से नफरत निकाल फेंको, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पहचान है। दिल से सलाम है उनको जिनको तिरंगे पर अभिमान है। अनेकता में एकता ही तो इस देश की शान है, बस इसीलिए तो मेरा भारत महान है। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्लैपिंग।